स्टार्टिंग से एक क्लास। आई होप आप लोग सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। एंड आप लोगों के पास जो भी काम आए ना उसको रेगुलर अपनी कॉपी में लिखना। और क्लास किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एनीथिंग किसी भी चीज में तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और जो काम आपका रेगुलर हो रहा है उसको अपने कॉपी में साथ के साथ, मतलब जैसे डे बाय डे काम आता है अपने कॉपी में नोट करना, काम इकट्ठा ना हो आपके लिए। एंड सेकेंड इन क्लास, जिन बच्चों ने बुक्स परचेज नहीं की है प्लीज बुक्स परचेज कर लो ताकि आपको स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके क्लास, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। सॉरी सर, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लव और लिटिल। क्या करेंगे चैप्टर नंबर 5 लव और लिटिल। लव और लिटिल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लव? अगर आपने कभी सुना हो, अगर आपको टीचर क्लास में बोलती है डोंट लव, डोंट लव मतलब हंसो मत, तो लव का मतलब क्या होता है? हंसना। लव का मीन्स हंसना। लिटिल का मीन्स थोड़ा। लिटिल का मीन्स थोड़ा, मतलब लाफ और लिटिल थोड़ा सा हंसना। ऐसे नहीं बिल्कुल बिल्कुल तेज तेज नहीं, हा 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 करके नहीं, प्लस थोड़ा सा लिटिल। लाफ और लिटिल का मतलब थोड़ा सा हंसना, ठीक है क्लास। तो आपकी ये जो लाफ और लिटिल का ये क्या है, एक पोयम है। पोयम को हिंदी में क्या कहते हैं? कविता। क्या कहते हैं हिंदी में? पोयम को कविता। तो ये आपकी छोटी सी पोयम है। आप लोगों ने पहले भी जब आप लोग लास्ट प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्लास जब आप पीपी 3 पीपी 2 पीपी 1 में तो राइम्स पढ़ते हो ना, फिंगर लिटिल लिटिल स्टार, तो वो राइम्स। और जब आप फर्स्ट क्लास में तो आपने कुछ कुछ थोड़ी 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 पोयम पढ़ी होगी, तो ये भी उसी तरीके से पोयम है, एक कविता है। अब हम पढ़ेंगे लव और लिटिल पोयम। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 लव और लिटिल, थोड़ा सा हंसना। दिस पोयम टेल्स अस दैट वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन लाइफ एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक अदर्स बी हैप्पी। टू बी हैप्पी इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। मतलब पोयम कहता है, जो ये कविता जो ये पोयम जिस हमेशा लाइफ में क्या रहना चाहिए? हैप्पी। क्या रहना चाहिए? हैप्पी। क्या रहना चाहिए हमें लाइफ में? हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड बी हैप्पी इन लाइफ एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी। और हमें दूसरों को भी क्या करना चाहिए? हैप्पी रखना चाहिए, उनको भी खुश रखना चाहिए। टू बी हैप्पी इज अ गुड फॉर हेल्थ।
यहाँ तक रीड करा आप लोगों ने, कर लो आप लोग रीड, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास।
नाउ क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। गुस्सा करना, नेवर माइंड नॉट टू बी फील बैड, फ्रॉम का मतलब शो एंगर, गुस्सा करना।
तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हंसते रहना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना चाहिए, ताकि आपके आसपास के जो भी लोग हैं आपसे खुश रहे, आप उनको खुशी दो, उनको आपको खुशी दे, और हमेशा आप लोग हैप्पी रहो। तो नेवर माइंड अ फ्रॉम का मतलब कभी भी बुरा नहीं मानना, न कभी गुस्सा करना, ठीक है। Give a little, take a little, never mind a frown.
प्रिंट आउट करो जल्दी से। ओके क्लास, आगे कंटिन्यू करते हैं। लाफ अ लिटिल, सिंग अ लिटिल, स्काइज आर ऑलवेज ब्लू, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग बट इट्स अप टू यू। लाफ अ लिटिल, सिंग अ लिटिल, स्काइज आर ऑलवेज ब्लू, कहने का मतलब है आप थोड़ा सा हंसते हो, थोड़ा गाते हो। लाफ अ लिटिल, हंसना और गाना थोड़ा थोड़ा। जितनी भी परेशानी आए, जैसे लिखे एवरी बैड सिचुएशन, एवरी बैड सिचुएशन, डू नॉट लास्ट फॉर एवर। एग्जाम आने वाले, हमें ये नहीं यार, हमें ये नहीं यार, ये रह रहा है, वो रह रहा है, ठीक है। अब उस टाइम आप थोड़ा तो परेशान होते हो ना, जब आप ट्यूशन मतलब आप घर पे पढ़ते हो या आपको घर में कोई आपका बड़ा पढ़ाता है तो आप कहते हो मम्मा मुझे ये याद है, प्लीज लर्न करवा दो, ठीक है। जब आप लर्न कर लेते हो, बट फिर भी आप परेशान रहते हो कि यार कल पेपर में क्या आएगा, कैसा एग्जाम पेपर आएगा, मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। जब आपका एग्जाम हो जाता है तो आप कितने हैप्पी होते हो कि मैम और मम्मा, या मैम आपसे पूछती है कि आज आपका एग्जाम कैसा हुआ,
ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा एक बार दोबारा पढ़ लो। Thank you.
ओके थैंक यू क्लास।